बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कर रहे हैं मैथ ग्रेड 5 पंजाब कुरिकुलम चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। अभी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। पेज नंबर 11 पे If the price of a solar panel is, एक जो सोलर पैनल है उसकी प्राइस है 18250। फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच पैनल्स। 10 पैनल्स की प्राइस जो है ये एक की प्राइस है 1, तो जो 10 होंगे उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो चूँकि सब की प्राइस सेम है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करेंगे 18250 मल्टीप्लाई बाय 10। इसमें आपने ये याद रखना है कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर होता है इसके राइट साइड पे हम एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं 18250, एक और ज़ीरो जो है राइट साइड पे ऐड कर देंगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है द प्राइस ऑफ 100 सच पैनल्स। ये 10 पैनल्स की होगी। अब 100 पैनल जो है ना उनकी प्राइस हमें फाइंड करनी है। 1 की कितनी है 18250, 100 की कितनी होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 जीरोस हैं तो राइट साइड पे इसके साथ हम 2 जीरोस और ऐड कर देंगे 18250। ये 2 जीरो हमने और इसके साथ राइट साइड पे ऐड कर दिए। द प्राइस ऑफ 1000 सच पैनल्स। अब 1000 पैनल्स की प्राइस फाइंड करनी है। एक की प्राइस कितनी है 18250, 1000 की कितनी होगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 3 जीरोज़ हैं तो इस नंबर के साथ राइट साइड पे हम 3 जीरोज़ ऐड कर देंगे। ये जो नंबर है 18250, उसके साथ हमने 3 जीरोज़ ऐड कर दिए तो ये आंसर आ गया। तो ये हमें यहाँ से रूल की समझ लग गई कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो उस नंबर के साथ राइट साइड पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, वो उसका आंसर बन जाएगा। और जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 2 जीरोस होते हैं तो उस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर के एंड पे राइट साइड पे हम 2 जीरोस ऐड कर देते हैं। और अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में 3 जीरोस होते हैं तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है उसके राइट साइड पे एंड पे हम 3 जीरोस ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।